Hello everyone, welcome to the channel English with Tricks. And in this video again, we are going to continue with the comprehension. हमने last video भी comprehension पर करी है, but I feel हमें एक दो videos comprehension पर और करनी चाहिए, so that ये आपको बहुत ज़्यादा clear हो जाए. उसके बाद हम further syllabus के साथ आगे चलेंगे. So I think आज कोई introduction की ज़रूरत नहीं है, हमें directly ही से start कर देना चाहिए. Once there lived an old man had a bag of gold. एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके पास gold का एक bag था. He was foolish. वो बेवकूफ़ था. ही डग अ होल इन द ग्राउंड एंड पुट द बैग ऑफ गोल्ड इन टू द होल. उसने ग्राउंड में, उसने ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और जो उसका सोने से भरा हुआ बैग था वो उस गड्ढे में डाल दिया. देन ही कवर्ड द होल विद स्टोन. और जो गड्ढा था उसने उसको पत्थरों से कवर कर दिया. ही यूज़ टू विजिट द प्लेस नियरली एवरी डे. और वो उस जगह पर रोज़ ही जाया करता. ही वुड टेक अवे द स्टोन एंड पुट हिज फिंगर इन टू द होल. वो उस स्टोन्स को निकालता, उन पत्थरों को, और अपने फिंगर को उस गड्ढे में डालता. देन ही वुड टच द गोल्ड एंड फील वेरी हैप्पी. और फिर वो गोल्ड जो था उसको टच करता और बहुत खुश होता. One day he took away the stone and put his finger into the hole. एक दिन उसने stones को हटाया और अपने finger को as usually ही उस गड्ढे में डाला. How angry and sad he was when he discovered that the treasure was not there. वो इस बात को जानकर बहुत ही गुस्से में हुआ और बहुत ही दुखी हुआ जब उसे ये पता चला कि उसका gold जो था, उसकी जो पूंजी थी, वो वहाँ पर नहीं थी. The old man went to a friend and sadly told him the story. जो बूढ़ा आदमी था वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे सारी बातें, सारी कहानी बता दी. His friend said, उसके दोस्त ने कहा, There is no reason for you to be sad. तुम्हारे पास दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं है. Your gold was useless to you. जो सोना तुम्हारे पास था वो तो बेकार ही पड़ा था. You still have the hole. पर तुम्हारे पास होल तो अभी है ना, जो गड्ढा था वो अभी है ना. You can visit it whenever you like. और तुम जब भी चाहो उस गड्ढे के पास जा सकते हो. All you have to do is to imagine that your treasure is still there. बस तुम्हें इतना इमेजिन करना है कि जो तुम्हारा सोना था, जो तुम्हारा जमा पूंजी थी, वो अब भी वहाँ है. सो विद दिस पैसेज ख़त्म होता है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन हाइड द गोल्ड. ओल्ड मैन ने अपना गोल्ड कहाँ पर हाइड किया था? इन सीक्रेट चैम्बर, इन द बैंक लॉकर, अंडरग्राउंड और अननोन प्लेस. उसने अपना जो गोल्ड है वो अंडरग्राउंड किया था, एक उसके अंदर एक गड्ढा खोदकर उसने अंडरग्राउंड अपने गोल्ड को हाइड कर दिया था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही. ओल्ड मैन जो है वो बहुत खुश होता था. तो वो कब खुश होता था? व्हेन ही यूज द गोल्ड, जब वो गोल्ड को यूज़ करता था. या फिर टच द गोल्ड, जब वो गोल्ड को जो है टच करता था. या फिर एडेड टू द गोल्ड, गोल्ड में कुछ ऐड करता था. या गिव अवे द गोल्ड, या फिर गोल्ड को किसी को दे देता था. सो वो फिंगर डालकर टच ही करता था. तो सेकेंड आंसर इज टच द गोल्ड. फाइन, नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन. ओल्ड मैन कब कब उस प्लेस पर जाता था जहाँ पर उसने गोल्ड को अपने हाइड कर रखा था? एवरी डे, हर रोज. वंस इन अ वीक, वीक में एक बार. ऑलमोस्ट एवरी डे, या एज ऑफन एज पॉसिबल. तो वो ऑलमोस्ट एवरी डे जाता था, राइट? तो दिस सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंड्स वर्ड्स पॉसिबली मेड द ओल्ड मैन. जो ओल्ड मैन का फ्रेंड था उसने उससे कुछ बात कही थी, तो उसके वर्ड से ओल्ड मैन पर क्या इफेक्ट पड़ा था? वो हैप्पी था? नहीं. वो एंग्री भी नहीं था, बट वो रिलीव्ड था. तो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो गया था. तो इसमें आंसर नंबर सी सही है. वो रिलीव्ड हो गया था बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. द फ्रेंड टोल्ड द ओल्ड मैन दैट ही हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग. उसने कुछ भी नहीं खोया है. ही वुड गेट बैक हिज गोल्ड. उसे अपना गोल्ड वापस मिल जाएगा. ही शुडंट कंप्लेन. ही शुड कंप्लेन दिस टू पुलिस. उसे पुलिस में इस चीज़ के लिए कंप्लेन करनी चाहिए. या फिर ही शुड नॉट हैव हिडन इट इन द होल. उसने हाउल में उसे वो गोल्ड हाइड नहीं करना चाहिए था. तो द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट. उसने ये कहा था कि तुमने तो कुछ भी नहीं खोया है, वो गोल्ड तुम्हारे लिए यूजलेस था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? सो विद दिस, यहाँ पर आज हमारा ये एंड होता है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माई वीडियो. दैट्स थैंक यू सो मच. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.